सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ओम एंड यू आर वॉचिंग हमारे सी ब्लॉग। सो नमस्ते नमस्कार। तो यहाँ पर जो है हम बाइक्स में जो है हैंडल बार्स में बार एंड वेट्स जो दिया जाता है, यहाँ पर इमेज देख सकते हैं या फिर वीडियो भी चल रही होगी। तो बार एंड वेट्स क्यों दिया जाता है इसके बारे में जो है बात करने वाले हैं। तो ये जो है 90% लोगों को जो है मिसकॉन्सेप्शन है, और 90% लोगों को कुछ तो पता ही नहीं है कि ये क्यों दिया जाता है। तो भाई बाइक्स में अगर छोटी से छोटी अगर बोल्ट भी दी हुई है कंपनी ने, तो वो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, भले छोटा सा फर्क पड़े, लेकिन बार एंड वेट्स का बहुत ज़्यादा हाई लेवल को तो नहीं, लेकिन फर्क तो पड़ता है ना। तो चलिए जो है फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ कि बार एंड वेट्स क्यों दिया जाता है। सो गाइज, बाइक को आप जब चलाते हैं तो झटके महसूस होते हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तो ये जो है बार एंड वेट्स से जो दोनों हैंडल के मतलब हैंडल के दोनों साइड में लगा रहता है उसके बारे में जो है बताने वाला हूँ। तो ये जो है फर्स्ट वर्क जो है इसका एडवांटेज है कि ये जो है जो वाइब्रेशन डैम्पिंग करता है, मीन्स जब चलाएंगे बाइक को तो आगे के वाइब्रेशन जो होती है चलाने से, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए शॉकर्स तो लगे रहते हैं, फ्रंट सस्पेंशन बोले जिसको, शॉकर्स लगे रहते हैं, लेकिन जो इंजन वाइब्रेशन आती है उसको कौन कम करेगा। तो उसके लिए जो है ये वाइब्रेशन डैम्पिंग के लिए जो है बार एंड वेट्स लगाया जाता है। आपने देखा होगा अलग अलग बाइक में अलग अलग साइज की जो है बार एंड वेट्स लगे रहते हैं, जैसे कि होंडा SP125 में इस तरह के बार एंड वेट्स लगे रहते हैं, और बाइक्स में अलग तरीके लगते हैं, और कई सारे बाइक में लगे ही नहीं होते। तो इससे क्या होता है कि ये जो है इंजन से जो वाइब्रेशन आती है उसको कम करता है। दूसरा दूसरा मैं बताऊं तो राइडिंग कंफर्ट, पहले मैंने बता दिया वाइब्रेशन डैम्पिंग जो इंजन से वाइब्रेशन आता है, दूसरा जो है अपना राइडिंग कंफर्ट। जाहिर सी बात है अगर आपके इंजन में आपके हैंडल में वाइब्रेशन कम आएंगे तो आपकी राइडिंग कम्फर्ट भी बढ़ेगी, तो दो हो गई। तीसरा हो गया कि अपना डायनेमिक बैलेंसिंग। तो ये जो है जो बार एंड वेट्स होता है हैंडल के जो दोनों साइड में होता है उसको जो है ये डायनेमिक बैलेंस करता है, किस ज़्यादा साइड कम या किस साइड ज़्यादा, तो ऐसा जो है डायनेमिक बैलेंस करता है। फोर्थ हो गया जो है चौथा फॉल प्रिवेंशन। जैसे अगर आप बाइक से गिर जाते हैं मानो ना मानो, या गलती से गिर जाते हैं, जानबूझ से कौन गिरता है, तो यहाँ पर जो है फॉल प्रिवेंशन करता है हैंडल को। जैसे आप गिरेंगे बाइक इस साइड या फिर इस साइड, तो वो जो बार एंड वेट्स लगा रहता है वो टूट जाता है। ये इसलिए मतलब अलग से लगा रहता है कि मतलब इससे जो है आपका हैंडल जो है टेढ़ा टूटने से बच जाता है। एंड अब जो है पांचों में आपको बताऊं तो जो है स्लिप प्रिवेंशन। तो अगर आपकी बाइक मान लो गिर जाती है ऐसे वैसे, तो ये जो है बहुत ज़्यादा जो लेग गार्ड लगा रहता है, इंजन इंजन गार्ड हो गया, लेग गार्ड हो गया, सारी चीज़ें बचाती हैं गिरने से। तो यहाँ पर भी जो है बार एंड वेट्स का जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है, जो हैंडल पे ऐसे गिरते हैं या फिर साइड गिरते हैं फिर कैसे भी गिरते हैं, ये जो है हैंडल को अपना बचा देता है। फिफ्थ हो गया अपना एसेसरीज अटैचमेंट। तो यहाँ पर जो है जहाँ हम मान लो आप जो है हैंडल गार्ड लगाते हैं हैंडल गार्ड, तो ये जो है जो क्या बोले अपना बार एंड वेट्स है इससे जो है अटैचमेंट आसानी से हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ इमेज भी देख सकते हैं, तो इसमें जो है जो क्या बोलते हैं बार एंड वेट्स एंड जो हैंडल के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, इसी पर जो है हम जो है एसेसरीज अटैचमेंट कर लेते हैं। तो एक कुछ पांच चीज़ें होगी जो बार एंड वेट्स का जो है यूजेस हो गया। 90% लोगों को नहीं पता था, मेरा वीडियो देखने के बाद शायद पता चल जाए। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड ऐसी जो है नॉलेज भरी वीडियो जो है मैं बनाते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नॉलेज आपसे मिस ना हो जाए। एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को भी ज्ञान दीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एंड कुछ भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर जो मैंने पाँच चीज़ें आपको गिना दी, जैसे कि वाइब्रेशन डैम्पिंग, तीसरा हो गया, दूसरा हो गया राइडिंग कंफर्ट, तीसरा स्लिप प्रिवेंशन, चौथा फॉल प्रिवेंशन, पांचवा जो हो गया अपना एसेसरीज अटैचमेंट। तो भाई ये थी अपना बार एंड वेट्स का यूजेस। तो वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक सो मच, बाय बाय, वंदे मातरम।